आई थिंक मेरे हिसाब से अब जमाना आ चुका है डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम का। हर कंपनी डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम में काम कर रही है, चाहे बजाज की पल्सर NS160 देख लीजिए, N160 देख लीजिए, NS200 देख लीजिए, यामा की MT15 देख लीजिए। सारी कंपनी अब डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम में काम कर रही है, क्योंकि हर मतलब ब्रांड जानता है कि अब फ्यूचर डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ही है। तो दोस्तों बात आती है अपनी TVS की अपाचे RTR 164V, इसमें कैसे पीछे रह सकती है, उसमें कैसे TVS वाले ये अपडेट नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग TVS अपाचे RTR 164V के नए अपडेट्स के बारे में, कि कंपनी इसमें आपको क्या क्या नया अपडेट दे सकती है, क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप TVS लवर है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपकमिंग 164V के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि RTR 164V में आपको नए नए क्या क्या अपडेट देखने को मिलेंगे। देखिए अपडेट बहुत जल्द आने वाले हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, बहुत जल्द आपको इस बाइक में अपडेट देखने को मिलेंगे। अब अपडेट क्या क्या मिलेंगे इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। हालाँकि दोस्तों बाइक में काफ़ी सारे अपडेट होने वाले हैं, लेकिन मेजर अपडेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। RTR 164V जो कि इंडियन मार्केट की 160 सेगमेंट की एक बहुत बेहतरीन बाइक्स में से एक है। हालांकि बजाज वालों ने भी काम कर दिया है अपनी NS में, तो भैया इसमें भी अपडेट की ज़रूरत है, ये भी बात हम इग्नोर नहीं कर सकते। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब जब बजाज अपडेट करता है तब तब TVS वाले भी अपडेट करते हैं भाई, ये चीज़ तो मैंने नोटिस की है। बात कर लेते हैं इस बाइक के अब अपडेट के बारे में। दोस्तों 164V में आपको सबसे पहला जो अपडेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है दोस्तों डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम में। जी हाँ, अब आप लोगों को बाइक में डुअल चैनल एंटीलॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कंपनी कभी भी प्रोवाइड कर सकती है, मतलब बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगी। इसके जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई जरूरत भी है इस बाइक में ये अपडेट करने का। तो पहला अपडेट मिलने वाला है डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम में। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में। देखिए स्पीडोमीटर में भी कंपनी अब अपडेट करेगी, क्योंकि अपडेट करने का टाइम आ चुका है। और दोस्तों अगर TVS वाले भाई अपनी राइडर 125 का इसमें स्पीडोमीटर डाल देना TFT डिस्प्ले, तो फिर तो भाई क्या ही बोलूं, मजा ही आ जाएगा अगर वो ये डाल दें तो। हालांकि उसके चांसेस थोड़े से कम है, बट हाँ स्पीडोमीटर में अपडेट जरूर किया जाएगा, ये तो बात तय है। नए नए फीचर और ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो वाला स्पीडोमीटर आने के चांसेस ज्यादा है नंबर 2 का अपडेट। बात करें द नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन। देखिए ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में कंपनी दिन ब दिन चेंजेस करते रहती है। अभी आपको पता है TVS वालों की तरफ से नया व्हाइट कलर ऑप्शन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिला ही मिला है। अब आप लोगों को बाइक में एक और जो नया कलर ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, एक या दो कलर भी हो सकते हैं, देखते हैं। बाकी वो कलर ऑप्शन कैसा होने वाला है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कंपनी जो कलर ऑप्शन देगी वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेंगे, तो नए कलर ऑप्शन भी आपको बाइक में मिल सकते हैं। बात करें नंबर 3 का अपडेट, वो है दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन। अब क्या RTR 164V में USD फॉक्स सस्पेंशन आने के चांसेस है? जी हाँ, अब आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रीज़न ये है कि भाई बजाज वालों ने अपनी भाई NS160 में जब से USD फॉक्स सस्पेंशन दे दिया, तब से इंडियन मार्केट में उसने तहलका मचा दिया, क्योंकि उस सेगमेंट की वो पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको इतने कम प्राइस में USD फॉक्स सस्पेंशन मिल रहा है। तो अब TVS वाले पीछे तो रहेंगे नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि 99% चांसेस है कि नई वाली RTR 164V में भी आपको USD फॉक जो सस्पेंशन है वो देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत बेहतरीन जो अपडेट है वो आपको बाइक में मिलने वाला है, और ये अपडेट भी आपको मिलेगा। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की टायर साइज़ को लेकर। आपको बताना चाहूँगा कंपनी इसके टायर साइज़ में भी काम कर रही है। सुनने में आया था कि RTR 164V में अब आप लोगों को थोड़े और भी ज़्यादा वाइड टायर देखने को मिलेंगे, इन द सेंस बड़े टायर आपको बाइक में देखने को मिलेंगे, जिससे बाइक की जो ब्रेकिंग है वो तो बेहतरीन होगी होगी, जिससे और बाइक की जो ग्रिपिंग प्लस बाइक की जो मतलब आप कह सकते हैं रोड को लेकर एक चलने का जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट हो सकता है दोस्तों RTR 164V के टेल लाइट में। देखिए कंपनी ने लास्ट टाइम इस बाइक के हेड लाइट में काम किया था, बट टेल लाइट में इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया था, करेक्ट। बट आपको बता दूँ अब नई वाली RTR जो आएगी उसमें आप लोगों को हेड लाइट में भी जो है काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहाँ पर इसकी जो टेल लाइट है इस बार काफ़ी ज़्यादा शार्प मिलेगी आपको, और यहाँ पे नई नई जो चीज़ें वो भी यहाँ पे कंपनी ऐड कर सकती है, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन अपडेट आपको बाइक में मिलेगा।
बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि RTR 164V में कंपनी और क्या अपडेट कर सकती है। देखिए अपडेट तो काफ़ी सारे हैं, हो सकता है कंपनी इस बार इस बाइक में जो है ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऐड कर दे, क्योंकि भाई TVS वाले भाई सबको हैरान कर देते हैं अपने अपडेट से, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड है जो पहली बार कितनी छोटी सी बाइक में USD फॉक्स सस्पेंशन दिया था। तो ऑब्वियसली बात है भाई इसमें कोई मतलब बात नहीं है कि कंपनी कर नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी देखने को मिल सकता है, ये भी एक मेजर अपडेट आपको बाइक में मिलेगा। बात करें लॉन्च डेट के बारे में, तो भैया लॉन्च डेट अब ज़्यादा दिन का होने वाला नहीं है, क्योंकि OBD2 सेंसर अब कंपलसरी होंगे, तो सभी कंपनी को बाइक में अपडेट लाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने के अंदर आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में नई वाली देखने को मिल सकती है। प्राइस के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत प्राइस भी बढ़ेगा, मुझे लगता है 10,000 के आसपास का बढ़ सकता है इन अपडेट के कारण। बाकी कौन कौन नई वाली RTR 164V का वेट कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुमित करते हैं दोस्तों आप लोगों को छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।